जी सर नमस्कार, मैं रफीक अहमद बिहार से हूँ। सर नमस्कार। एक 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 आंकड़ा आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा और एक कंपैरिजन की अगर हम बात कर रहे हैं, चूंकि जब एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो जाहिर सी बात है कि हम इसकी अच्छाई या इसके क्या निगेटिव पहलू हैं उस पर बात करने के लिए हम पिछली सरकार से हम कंपेरिजन करेंगे। तो अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें और बजट एलोकेशन की बात करें, तो अगर हम यूपीए 2 जो मनमोहन जी की सरकार थी उसमें ये बात थी कि उन्होंने बजट का लगभग 3.9% इस पर खर्चा किया एजुकेशन पे, लेकिन वहीं पर मोदी सरकार जब आती है 2014 से लेकर 2019 तक में उन्होंने बजट को घटा के 3.1 कर दिया। तो क्या अगर ये जो नई पॉलिसी आई है जिसमें बच्चों को डबल संख्या करने की बात आ रही है, अगर इस हिसाब से हम देखें तो करोड़ों में संख्या होगी जो हम बच्चों को एडमिशन कराएंगे, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, तो एक तरफ हमारे सरकार जो है वो बजट को कम कर रही है, दूसरी तरफ एक नई पॉलिसी की बात कर रही है जिसमें और पैसे की जरूरत है, तो क्या ये बात कंट्राडिक्टरी आपको नहीं लगती है? बात यही है कि अभी हालात विशेष तौर पर कोरोना के पीरियड में और खराब हो गए। कई जगह अक्सर बिहार के आप हैं तो वहां पता नहीं वहां की शिक्षकों को वेतन बराबर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। मैंने देखा था स्टूडेंट्स के और टीचर्स का काफी बड़े पैमाने पर एजिटेशन भी हुआ था जी, बिल्कुल नहीं। और रिक्रूटमेंट में भी प्रॉब्लम रही है और सभी स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं और उनका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। वही हालात आपके बिहार में भी आए थे, 40-50 साल के लोग हो गए हैं, उसके बाद भी उनका कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें ये बात निश्चित तौर पर सही है कि हर हालत में अगर शिक्षा को एक महत्व देना है, स्वास्थ्य और शिक्षा दो ही ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें की भारत को बहुत ही प्राथमिकता देना चाहिए। और इसलिए इसे तो हर हालात में 6% ले जाने का सतत प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। अच्छा सर एक चीज और है, यहाँ पे सरकार की अगर हम नियत की बात करें, क्योंकि पॉलिसी आप ले कर आए हैं जो कि बहुत अच्छी है और मैक्सिमम जितने भी इस पर अपनी क्रिटिसाइज करने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने भी इसको अच्छा कहीं ना कहीं बेहतर कहा है और आप भी कुछ पहलू पर कह रहे हैं कि ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तो सरकार के उठाए गए कदमों पर और उनके नियत पर डिपेंड करता है। तो अगर हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करें जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लेकर रिसेंटली आई थी और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से 2020 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 2014 से 2015 में 77 टेक्निकल इंस्टीट्यूट बंद हुए थे, 2016 से 17 में 163 टेक्निकल इंस्टीट्यूट बंद हुए थे, इसी तरीके से लगभग 134 से 99 92 हर साल बंद होते आए हैं भाजपा की सरकार में। दूसरी बात, ये 4 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में लगभग 180 टेक्निकल जो पेशेवर इंस्टीट्यूट है वो बंद हुए हैं। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि जहां पर हमारी सरकार इतने अच्छी फिलोसफिकल बातें कर रही है, वर्ल्ड क्लास की बातें कर रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आप लगातार इंस्टीट्यूट को बंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात आपको कहीं उलझाने वाली नहीं लग रही है कि बात इस पर बातें हो, पहले के जो इश्यूज हैं उस पर लोग बात ना करें, सरकार के उठाए गए कदमों पर बात ना करें, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे तरीके से जो बेसिक इश्यूज हैं उनको ये गुमराह करने में इनसे ज्यादा कोई माहिर व्यक्ति होगा नहीं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो टेक्निकल कॉलेजेस बंद हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं, उसका सीधा संबंध है जो जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हुआ है ये उसके कारण है। जब जॉब्स नहीं है, डिमांड नहीं है, तो स्वाभाविक है कि लोग बाग नए इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना बंद कर, और एक मशरूम ग्रोथ हो गया था प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का और उसमें क्वालिटी पर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मैंने एज चीफ मिनिस्टर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रारंभ की थी और उसका बेसिक प्रमाइस यही था कि उसमें बेस्ट क्वालिटी पर पूरा ध्यान रखने के लिए उसको रेगुलेटरी पावर्स दिए गए थे और उसको पूरे तरीके से इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा गया था कि वो जो अपग्रेडेशन ऑफ द कोर्सेज एंड अपग्रेडेशन ऑफ द
लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप्स, उस पर पूरी तरीके से ध्यान दें। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कहते हुए कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी केवल पैसा इकट्ठा करने में लग गई, और जिस प्रकार से उसे इन्वेस्ट करना था ऑन रिसोर्सेस उस पर वो नहीं कर पाए। तो ये जो आपने प्रश्न किया है टेक्निकल कॉलेज बंद होने का, उसका मूल कारण है कि स्लो डाउन इन द इकोनॉमी रादर देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप दो बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो आप पॉलिसी मेकिंग के पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक संसदीय रिपोर्ट आई थी सदन में, और इसके अलावा एक और भी गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम असर करके है, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी कि भारत में एक शिक्षक से मात्र चलने वाले लगभग 1,00,000 से ज्यादा स्कूल हैं, यानी कि हमारे पास शिक्षकों की इतनी कमी है, जिसमें टॉप 5 में मध्य प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश में भी ये हालत थी कि वहां पे कई ऐसे स्कूल है जहां पर आपके एक शिक्षक से कई स्कूल चल रहे हैं, जिसमें संख्या अगर बताएं तो 17,000 के करीब थी। उसके बाद यूपी है, राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है। तो अगर इस तरह के बेसिक इश्यूज को अगर आप देखते हैं, तो फिर आप नई पॉलिसी से कैसे रिलेट करते हैं? मध्य प्रदेश के भी इशू को भी आप बताएंगे कि क्या ऐसी वजह रही थी कि जिससे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी? कोठारी कमीशन के समय से ही रिकमेंडेशन है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो 36:1 होना चाहिए, और उस रेशियो के आधार पर ही हमें स्कूलों में रिक्रूटमेंट टीचर्स का करना चाहिए। अभी हो क्या रहा है भाई कि सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत कम हो गए हैं। अधिकांश सरकारी स्कूलों में जो प्यूपिल टीचर रेशियो है, तो कई जगह तो ऐसी जगह स्कूल है जहाँ टीचर ज्यादा है बच्चे कम है। जी रफीक भाई, आप जी जो टीचर्स की कमी की जो बात कर रहे थे। जी सर, तो बात यही है कि उसमें रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और मैं आपको बताऊं कि मेरे कार्यकाल में लगभग 1,25,000 टीचर्स हम लोगों ने अपॉइंट किए थे, और उसमें ऐसी पूरा ख्याल रखा गया था, और हमने उसमें जो लोकल कम्युनिटी थी उसी को ही टीचर्स अपॉइंटमेंट का हम लोगों ने प्रयास किया था। होता क्या है कि टीचर के सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होने से पूरा समय शिक्षा विभाग का ट्रांसफर में बीत जाता है, क्योंकि अब बिहार जैसे राज्य में अगर आपने सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट किया तो अधिकांश बच्चे जो है पटना और आसपास के रिक्रूट हो जाएंगे, और रिक्रूटमेंट होने के बाद उनको पटना से अगर आप उनको पूर्णिया पोस्ट कर देंगे तो वो इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि हम वापस पटना कैसे पोस्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट किया था, ताकि और ये भी मैंने कोशिश की थी कि जिस स्कूल में आपकी भर्ती हुई है आपको हम लोग वहीं रखें, और क्योंकि एक जो कम्युनिटी का जो प्रेशर रहता है गांव के मास्टर पर, वो बाहर के टीचर पे नहीं रहता है। लेकिन शायद ये भी मिलती है कि लोकल टीचर पढ़ाता भी नहीं है, तो कम से कम उसी विकास खंड या उसी तालुका में रखा जाए। इसलिए हम लोग डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट के पक्ष में रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का तो आपको मालूम व्यापक स्कैम हुआ था, उन्होंने सारा रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज कर दिया था। तो जब अभी कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी की आई तो बेचारा शिक्षा मंत्री तो परेशान हो गया, उसके पास इतने एप्लीकेशन आई ट्रांसफर की कि पूछिए मत। तो बात वही है, हमें इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट हो, और डिसेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं रफीक सर, देखिए कांग्रेस जो है भारत में सबसे बड़ी पार्टियों में से एक रही है हमेशा से, और लोगों को कांग्रेस से बहुत उम्मीद है, शुरू से ही है, आगे भी है और रहेगी भी, जो लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए लोग सवाल आपसे करेंगे।
और कांग्रेस से ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने आखिर ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जो अभी हम लोग विरोध में बात करते हैं या अभी मौजूदा जो सत्ता में सरकार है उनके उठाए गए जो कदम है जो इम्प्लीमेंटेशन वाइज सही नहीं हो सकते हैं, पॉलिसी वाइज सही नहीं हो सकते हैं। कई कानून है आप देखिए लोग उस पर सड़क पे भी उतरे, लेकिन सत्ता के विपक्ष में बैठी हुई जो कांग्रेस है उसको लेकर लोगों के मन में हमेशा से एक सवाल रहा है कि ये मजबूती से विरोध क्यों नहीं करते हैं। तो इसी से संबंधित एक सवाल भी आया है हैदराबाद से, गाजी करके हैं ऑनलाइन, उन्होंने सवाल किया है कि जो लैंग्वेज को लेकर सरकार की पॉलिसी आई है कि मैंडेटरी नहीं होगी, लेकिन वैसे रीजन जैसे कि मान लीजिए कश्मीर है, चूंकि अब कश्मीर भी अब हमारा अभिन्न अंग हो गया है 370 हटने के बाद, तो वहां भी ये कानून लागू होगी अगर अगर कानून बनता है तो, ये पॉलिसी अगर वो एडॉप्ट करते हैं तो उर्दू जबान जहां पे बोली जाती है हैदराबाद हो गया या जो ऐसी जगह पे जहां पर एक खास जबान को ज्यादा तरजीह दी जाती है, मेरे ख्याल से दिग्विजय सर का डिस्कनेक्ट हो गया है तो अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर तो मैं अपने सवाल को कंप्लीट कर दे रहा हूँ फिर आप जवाब दे देंगे। गो ahead, सुन रहा हूँ। जी जी, तो ये लोगों का सवाल है कि जो पॉलिसी नहीं आई है इसमें उन लोगों का क्या होगा जो जैसे उर्दू बोलते हैं, कश्मीर है, हैदराबाद है, बिहार के बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे बेसिकली जो माइनॉरिटी क्लास के बच्चे हैं वो उर्दू ही बोलते हैं या पढ़ते लिखते हैं, तो ऐसे में क्या अगर कंपल्सरी नहीं बनाया गया है तो कल को उस स्कूल में अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी भाषा पढ़ाई जाती जिसमें बच्चों को दिक्कत होगी तो क्या ऐसे में क्या उन छात्रों के हक के साथ हक तलफी नहीं होगी, क्या उनके साथ इस तरह का कोई ज्यादती नहीं होगा? मैं आपको बताऊं कि जब मैं अर्जुन सिंह जी की कैबिनेट मिनिस्टर था 1980 से 84 के बीच में, तो हम लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी कि मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड इलाकों में हम लोग उर्दू का सब्जेक्ट शुरू करेंगे, जहां भी 25 छात्र हमको मिल जाएंगे वहां उर्दू टीचर अपॉइंट करेंगे, और उसकी वजह से कम 3,500 उर्दू टीचर्स हम लोग ने समय अपॉइंट किए थे। और फिर बाद में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जितने भी हमारे उर्दू टीचर्स के पोस्ट खाली थे सब जगह मैंने उर्दू टीचर्स अपॉइंट किए, मदरसा बोर्ड का गठन किया और मदरसों को हम लोगों ने ग्रांट्स भी मंजूर किए। तो ये डिपेंड करता है हर सरकार में क्या उसके प्रायोरिटीज हैं क्या नहीं है, ये मुख्यमंत्री पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का जहन इस मामले में बिल्कुल साफ है। हाँ, हो सकता है कि हमारे में से कुछ लोग ऐसे हों जिनका कि जहन थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाला हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी जो लीडरशिप है नेहरू गांधी फैमिली से जो आज तक रही है तो उसमें पूरे तरीके से हम लोगों का इस मामले में जहन साफ है। सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि आज देश में कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी से कभी भी समझौता नहीं किया है, इसलिए इस मामले में हम लोग का जहन साफ है। जी सर, एक और सवाल आया हुआ बिहार से ही, सवाल आया है कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें हमारे शिक्षकों को, खैर आपने इसके बारे में पहले ही बता दिया लेकिन चूंकि जो राशिद साहब हैं उन्होंने काफी जिद किया है कि सर से ये सवाल जरूर रखें कि हमें सही टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है, खाने के जो पैसे, अभी 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील के तहत खाना खिलाया जा रहा था, अब वो लॉकडाउन में वो पैसे का हिसाब किताब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे? जो अपने पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहे वो इसका कैसे देंगे? तो ये मतलब फंड से रिलेटेड ये सवाल है कि फंड जो एलोकेट हो रहे क्या उसकी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर उसको कार्यान्वित किया जा रहा है, उसको सही स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है, ये बेसिकली इनका सवाल है। ये हर स्टेट में अलग अलग परिस्थितियां हैं जी, कुछ स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ, कई स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बिहार में तो मैं समझता हूँ मेरे पास मित्र और आजकल चुनाव की तैयारी हो रही है तो काफी बिहार के लोग मुझसे मिल रहे हैं तो ये बातचीत हमारी चलती रहती है। तो बिहार में बात की दिक्कत तो आई है, अब मध्य प्रदेश में भी मदरसा बोर्ड को 3-3 साल से ग्रांट नहीं मिल पाई है, उनके उर्दू टीचर्स को तनख्वाह नहीं बढ़ पाई थी। मैंने जैसे
हमारे कांग्रेस पार्टी के रिजीम में इस बात की कोशिश की तो शायद एक या दो साल की तो ग्रांट रिलीज हो गई होगी। लेकिन मूल बात यही है कि जब फंड्स की कमी आती है तो हर सरकार अपने सरकार के खर्चों में प्रायोरिटी के आधार पर उसका उसका यूज करते हैं। तो अब मैं इस बात को पहले ही कह चुका हूं कि सरकारी स्कूलों में भर्तियां तत्काल ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी सुधारना चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे वापस शासकीय स्कूलों में आना शुरू हो जाए। बिल्कुल। तो सर एक आखिरी सवाल और है जो जनता की तरफ से आया हुआ है, हमारे साथी हैं बिहार से ही एक उफरान, उनका कहना है कि अगर जीडीपी का 0.5% ही बीजेपी ने लगभग लोगों ने फंड से ही रिलेटेड सवाल किए जो आप कह रहे हैं, तो सर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या एजुकेशन फील्ड पे जो फंड दिए जाते हैं या उसमें एलोकेट किए जाते हैं, जो खर्च किए जाते हैं, आखिर उसी के साथ कंप्रोमाइज क्यों किया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि बच्चे दर साल बढ़ रहे हैं, एजुकेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड क्लास के एजुकेशन विश्व गुरु बनने की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है कि 2014 से लगभग 0.55% हुआ जीडीपी का 2014 में, फिर वो घट के 0.49, फिर घट के 0.47, मतलब हर साल बीजेपी की सत्ता जब से आई है वो घटता ही जा रहा है, तो क्या ये मतलब कंप्रोमाइज एजुकेशन फील्ड में ही क्यों हो रहा है, हम कहीं दूसरे फील्ड से घटाकर कर सकते हैं, रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग पे जो हम खर्चा करते हैं, अगर हम विश्व में शांति के साथ एक एक वातावरण बनाने की बात करें तो हमारे जो खर्चे उधर होते हैं वो भी कम होते हैं, फिर प्लस एजुकेशन, ये दो चीज ऐसे हैं जहां पर हमारे देश को विश्व गुरु बनाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इसी दोनों पे कंप्रोमाइज किया जाता है, ऐसा क्यों है, मतलब क्या इसके पीछे की सोच है। मैंने आपसे कहा ना हर सरकार अपने सीमित साधनों में प्रायोरिटी तय करती है। अब मोदी जी को बुत बनाने का बड़ा शौक है, उन्होंने 3,500 करोड़ में सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल का की स्टैचू तो बना दी, लेकिन उनके पास कोरोना पेशेंट्स के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो प्रवासी मजदूरों को व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। उन्हें जीएसटी की जो ग्रांट्स राज्यों में जाना चाहिए, जिसकी वजह से राज्यों के बजट गड़बड़ा रहे हैं, जिनकी वजह से कई राज्यों में सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, उस बारे में कुछ ध्यान उतना नहीं दिया जा रहा है। अब उनके पास पैसे ना होने के बावजूद भी अभी वे हजारों करोड़ रुपए खर्च करके नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, नए ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाना चाहते हैं, तो ये गलत प्रायोरिटी जो मोदी जी की चली हुई है इस पर हमारा हमारी आपत्ति है। बिल्कुल, एक्चुअली पूरा भारत जानता है दिग्विजय सर एक कांग्रेस के वरिष्ठ और काफी जुझारू नेता हैं, तो इनके से जो सवाल आ रहे हैं ना वो चुनाव से संबंधित काफी आ रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ये में है। लेकिन अगर थोड़े से हम लोग डेविएट होने की कोशिश करें तो मैं सर से जानना चाहूंगा कि 2020 का जो बिहार चुनाव है इसमें कांग्रेस किस तरीके से तैयार है, और जो बातें बीजेपी पर लगातार आप लोग आक्रमण करते हैं, विरोध में बोलते हैं, उसको किस तरीके से आप लोग एक मतलब एजेंडा बनाकर उसको किसी स्टेट में उतारते हैं, जैसे बिहार इलेक्शन आ रहा है, फिर एक दो साल बाद यूपी का इलेक्शन आएगा, फिर आपके यहाँ भी इलेक्शन है, तो आप कांग्रेस के चूंकि वरिष्ठ नेता है तो कैसे आप इसको कहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने पिछला चुनाव लड़ा था आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के आधार पर, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आरजेडी के साथ समझौता किया था, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ समझौता किया था, एनसीपी के साथ किया, लेकिन दो साल बाद रातों रात वो पलटी खा गए और भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। ये अवसरवादिता जो नीतीश कुमार जी की है वो, और ऐसे लोगों के साथ रामविलास पासवान जी, इन्होंने 2002 में अटल जी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था एज अ प्रोटेस्ट, जो गुजरात में दंगे हुए थे,
बिल्कुल, लेकिन अब जिसके खिलाफ इस्तीफा दिया था उसी के कैबिनेट में वो मंत्री है। सही। तो ये जो अवसरवादिता हमारे रीजनल पार्टीज में आ जाती है, इसके लिए हमें दिक्कत है। तो आज जहां तक बिहार का सवाल है, कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ हम लोगों का समझौता है, लेफ्ट के साथ हमारा समझौता है, उपेंद्र कुशवाहा जी की रीजनल पार्टी के साथ है, सहनी जी के पार्टी के साथ है। तो इस तरह से हम लोग जो एक सेक्युलर अलायंस जो 2017 में बनाया, 2015 बनाया था, वही सेक्युलर अलायंस इस बार भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि लालू जी स्वस्थ रहे और अभी रांची में है, उनके मार्गदर्शन में तेजस्वी और पूरी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक अच्छा परफॉर्म करेगी। और जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार जी के साथ, उस पर हम हमारे चर्चा का टाइम खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल जो उन्होंने भेजा था वो कर लें। एक सवाल जो आए थे वही उर्दू स्कूल और कॉलेज से ही संबंधित था, जो कि मेरे ख्याल से सर ने कवर कर लिया है। अच्छा, एक फिर एक पॉलिटिकल ही सवाल है, उसके बाद हम लोग अपने चर्चा को खत्म करेंगे। सर का भी समय का इतना दिया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बिहार के इलेक्शन में कांग्रेस तो जाहिर सी बात है अलायंस में आ रही है, इसके अलावा एक और भी पार्टी है जो आपके हैदराबाद से आ रही, तेलंगाना से आ रही है, एमआईएम की पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी। उसको लेकर आपके सेक्युलरिज्म पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अब जो एक खासकर माइनॉरिटी तबका है वो थोड़ा सा भटक रहा है, या कांग्रेस से अलग होने की बात हो रही है, तो कहां आप इसको देखते हैं, अपने स्टैंड को कैसे क्लियर करेंगे इस मैटर पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आजादी के पहले और आजादी के बाद कम्युनल पार्टीज के साथ समझौता नहीं किया। ओवैसी साहब जो है मुझसे थोड़ा नाराज रहते हैं, कारण यह है कि जिस प्रकार से ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ा गुप्त समझौता जो हो जाता है उनका, ताकि मुस्लिम वोट डिवाइड करने का, इस पर मुझसे वो नाराज रहते हैं कि मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ। और ये मैं आरोप भी लगाता हूँ ओवैसी साहब पर कि भाईजान आप क्यों मुस्लिम वोट डिवाइड करने का, ये भाजपा के षड्यंत्र में आप क्यों शामिल हो जाते हैं? तो मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है कम्युनल फोर्सेस, चाहे कम्युनल हिंदू हो चाहे कम्युनल मुसलमान हो, और इसीलिए कभी कभी दोनों तरफ से गालियां मुझे पड़ती हैं और कभी कभी दोनों तरफ से मुझे मानहानि का दावा भी फेस करना पड़ता है। जहां एक तरफ आरएसएस ने मेरे खिलाफ मानहानि के दावे किए हुए हैं, तो ओवैसी साहब ने भी एक मेरे खिलाफ हैदराबाद में दावा किया हुआ। खैर, उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले चुनाव में भी ओवैसी साहब ने नॉर्थ बिहार में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे वहां अपने कैंडिडेट्स खड़े करके जो भाजपा को मदद की थी, कम से कम इस चुनाव में ना करें, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। बिल्कुल, ये सवाल 2019 में लगातार उठ भी रहे थे, ईवीएम को लेकर पूरे देश में पूरी दुनिया में विरोध हो रहा था, जबकि जहां पर इसको मैन्युफैक्चर भी किया जाता वहां पर भी इसको बैन कर देने की बात हुई है, बहुत सारे जगह पर इसका प्रैक्टिस नहीं किया जाता, ये तो सवाल है इसमें कोई, लेकिन इसमें भी विपक्ष के तौर पे कांग्रेस काफी ढीली नजर आती है। अच्छा सर, एक जयपुर से एक हमारी दर्शक है प्रिया शर्मा, उनका एक सवाल आया, फिर ये शिक्षा से संबंधित ही है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षण के माध्यम को मातृभाषा में रखने के समर्थक हैं, लेकिन क्या इसे सरकारी प्राप्त लेकर दिल्ली और मुंबई के सबसे महंगे और एलिट स्कूलों में लागू किया जाएगा? ये मातृभाषा और लैंग्वेज पे, चूंकि इंग्लिश इज लाइक इंटरनेशनल लैंग्वेज, वी ऑल नो इट वेरी वेल, बट हाउ वी कैन इग्नोर इट इन अ वेरी इनिशियल स्टेज? देखिए, बात ये साफ है, मैंने आपको अपनी बात में पहले ही कहा था, गांव के अंदर और कस्बों के अंदर गरीब के परिवार के बच्चे भी वो चाहते हैं हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं। इसलिए आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, आपको वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल की भरमार नजर आती है। तो ये जो भूख है लोगों में, विशेषकर गरीबों में, कि जब तक अंग्रेजी हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। मदर टंग जरूरी है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज तो आज इंग्लिश ही है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को विशेषकर एससी एसटी के बच्चों में और माइनॉरिटीज भी इस मामले में काफी इच्छुक है, और गरीब तबका विशेष तौर पर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान कोई हो।
गरीबों हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ज्यादा भूख है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सर से गुजारिश भी है कि आज शिक्षा नीति पे बात हुई है, अगली बार कभी राजनीति पर हम लोग खुल के बात करेंगे, जो इनके कांग्रेस और बिहार की राजनीति पे खासकर जरूर। सर बहुत जल्दी आपको हम लोग तकलीफ देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप जरूर